हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू हियर अगेन ऑन माई चैनल जानकारी है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज अबाउट रोल ऑफ प्रॉफिट एंड बिजनेस। बिजनेस स्टडी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्यापार दे विच लाभ की भूमिका की है, इस दे बारे डिटेल्स गल करांगे अज आप। लेट्स मूव अहेड विद मी टू डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट इन वेरी सिंपलीफाइड मैनर। स्टूडेंट्स, इस तो पहला इस चैनल पर ऑलरेडी बिजनेस नाल रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस ने जो बिजनेस स्टडीज़ के अलग अलग कॉन्सैप्ट एक्सप्लेन कर दिया ने, वो वीडियोज़ बड़ी डिटेल दे विच असी सारे पढ़ चुके हैं इस चीज़ के बारे कि बिजनेस की है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड स्पेसिफिकली टू अर्न सम प्रॉफिट, लाभ कमाण दे लई वस्तुआं ते सेवावां दा जो लेन देन हुंदा है, उन्हां दी पैदावार कीती जांदी है, वो सारा व्यापार है, बिजनेस एक्टिविटीज़ ने। बिजनेस दा जदों असीं पढ़दे हां मेन ऑब्जेक्टिव दे विच गल आउंदी है कि बिजनेस दा मेन ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट अर्न करना, इहदे बारे असीं सारा जानदे हां। प्रॉफिट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनी बिजनेस। जे प्रॉफिट नहीं होएगा तां बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकदा, जे प्रॉफिट नहीं होएगा तो कोई बिजनेस करन दे लई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा। इसका मतलब क्लियर है स्टूडेंट्स कि कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स ने प्रॉफिट अर्न करन दे, जिस करके बिजनेस दे विच प्रॉफिट की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण सानू महसूस होएगी। आओ आप गल करते हैं कि एक बिजनेस दे लई प्रॉफिट कमाना जरूरी क्यों है, why profit is so essential for any business। एक गल ध्यान रखो पर स्टूडेंट्स, इस तो पहला मैं थोड़े नाल ये गल क्लीयर करा कि बिजनेस के लिए लाभ कमाना क्यों जरूरी है, why profit is so essential for any business। और भी एक स्कॉलर ने उन्होंने बारे मैं थोड़े नाल गल शेयर करना चाहना है कि बिजनेस, उन्होंने एक गल क्लीयर की थी कि बिजनेस का मकसद सिर्फ लाभ कमाना ही नहीं होंदा, जिमें कि जीन का मकसद सिर्फ खाना नहीं होंदा। आओ इस टॉपिक नूं आपां हुण ओपनली डिस्कस करते हैं। सब तो पहला आप गल करते हैं एक पहलू की कि बिजनेस के लिए प्रॉफिट अर्न करना एसेंशियल क्यों है, वाई इट इज़ सो। फर्स्ट पॉइंट इज सर्वाइवल, होंद। बिजनेस नूं सर्वाइव करन दे लई, अपनी एग्जिस्टेंस नूं मेनटेन करन दे लई, जेकर दुनिया दे विच बिजनेस नूं कंटिन्यू प्रोसैस रखना है, जिथे भी वह व्यापारी व्यापार कर रहा है तो सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बिजनेस टाइम टू टाइम बहुत सारे रिस्क होंगे ने, बहुत सारे लॉस होंगे ने। बिजनेस सर्वाइव उदों ही कर सकता है जेकर उन्हें रिस्क का सामना कर सके, तो सामना कदों करेगा बिजनेस जेकर बिजनेस नू टाइमली प्रॉफिट भी होंगे ने, क्योंकि बिजनेस टाइमली बहुत सारिया मार्केटिंग चेंजिज ने, टेक्निकल चेंजिज ने, सोशल एंड पोलीटिकल चेंजिज ने, जिड़िया बिजनेस नू इंपैक्ट कर दिया ने, उन्हां सारे चेंजिज़ दा और डिफरेंट टाइप दे रिस्क दा सामना करन दे लई जे उन्हां रिस्क दे विच आपां नूं सर्वाइव करके रखना है तां प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी है। क्लीयर। सैकेंड पॉइंट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। यस, बिजनेस दी जेकर असी एक्सपेंशन करनी, अज असी व्यापार शुरू किया छोटे साइज़ दा, लेकिन टाइम दे नाल हर व्यापारी का यह मकसद हुंदा अपने बिजनेस नूं एक्सपेंड करे, बिजनेस की ग्रोथ होवे, बिजनेस वधे। वधेगा किवें? जे पैसा आएगा, पैसा कितों आएगा? जो बिजनेस मैन ने इनवैसट किया जेकर उन्होंने प्रॉफिट होएगा, जेकर प्रॉफिट होंगे तो ही कैपीटल के रूप से री इनवैसटमेंट बिजनेस होंगी है, तो बिजनेस की ग्रोथ पॉसीबल हो सकती है। इस करके ग्रोथ के लिए तो बिजनेस के स्पेसीफिकली एक्सपेंशन के लिए, साइज बढ़ाने के लिए प्रॉफिट का होना बड़ा जरूरी है। नैक्सट पॉइंट इज इंसेंटिव, एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा। यस, प्रॉफिट किसी भी बिजनेसमैन दे लई, जिस एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस दे विच पैसा इन्वेस्ट किया, जिस कैपिटलिस्ट ने बिजनेस दे विच पैसा लगाया है, वो ये चाहता है कि उसके लगाए हुए पैसे का उन्हें रिटर्न मिले, इंसेंटिव के रूप दे विच उन्हें कुछ ना कुछ और रिटर्न की हो सकता है प्रॉफिट। बिना इंसेंटिव तो कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट नहीं करता, इस करके उस इंसेंटिव नू, उस मोटिवेशन नू प्राप्त करन दे लई, उस मोटिवेशन दे प्रति मोटिवेट होन दे लई भी जरूरी है कि बिजनेस दे विच प्रॉफिट होवे। नैक्सट पॉइंट इज सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट अर्न करता है ये जरूरी नहीं है,
बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने दे नाल नाल सोशल वेलफेयर दे बहुत सारे प्रोसेस करता है। क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना, सही टाइम ते प्रोडक्ट ह्यूमन बीइंग्स नू प्रोवाइड करवाना, ज़्यादा मार्जिन ना रखना विच, इस तो इलावा बहुत सारिया सोशल स्कीम्स दे विच हिस्सा देना, किसी नू दान देना, डिफरेंट टाइप दियाँ अपने इंप्लाइज दे वेलफेयर दे लई स्कीम चलाना, उस दे लई पैसा चाहिदा है। ते पैसा कित्थों आएगा बिजनेसमैन कोल? जो इन्वेस्टेड पैसा है वो तो नहीं ना यूज हो सकता, उसके लिए भी प्रॉफिट कमाना बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज गुडविल। गुडविल होंगी है साख। स्टार्टिंग दे विच स्टूडेंट्स दे कई बार कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंदा प्रसिद्धि कितनी है बिजनेस दी। गुडविल वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। किसी बिजनेसमैन की जो फेम है, प्रसिद्धि है, वो किस चीज़ तो मेजर करती है? उत्थे काम करने वाले इंप्लाइज नूं सैलरी कितनी मिलती है? उत्थे बिजनेस का ऑफिस किस तरह का है? बिजनेस की डीलिंग किहो जी है? बिजनेसमैन सोशल एक्टिविटीज विच इनवॉल्व है या नहीं? ये सारा कुछ करने के लिए की चाहिए पैसा। जेकर पैसा होएगा वो कितों आएगा? सिर्फ प्रॉफिट तो। इस करके बिजनेस के लिए अपनी गुडविल नू मेंटेन करने के लिए भी प्रॉफिट अर्न करना बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर ऑफ एफिशिएंसी, कुशलता का पैमाना। एक बिजनेस की जो मैनेजमेंट है उस अपने काम के विच एफिशिएंट है या नहीं, अपने काम नू बिजनेस नू एफिशिएंटली चला रही है या नहीं, इस दे दा पता किस तों लगता है? जेकर बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, जेकर बिजनेस की एक्सपेंशन हो रही है, कितों पता लगेगा? जेकर बिजनेस दे विच प्रॉफिट अर्न हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, किसी बिजनेस की एफिशिएंसी नू मेजर करने के लिए भी एक सब तो बड़ा पैमाना होंदा है कि बिजनेस प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है। क्लियर? ये उस बिजनेस नाल रिलेटेड कस्टमर्स नू, शेयर होल्डर्स नू, सारे नू इंपैक्ट कर दी है ये चीज़, जिस तो पता लगता है कि बिजनेस की मैनेजमेंट बड़ी एफिशिएंटली काम कर रही है। जेकर बिजनेस लगातार लॉस दे विच जा रहा है तो उत्थे मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी है जिहड़ी, वो शो होंदी है कि मैनेजमेंट अकुशल है अपने काम दे विच, कुशल बिल्कुल नहीं है। क्लीयर? अपने आप नू एज अ एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर प्रूव करन दे लई, एज अ एस्टैबलिश्ड एक एफिशिएंट बिजनेस इंस्टीट्यूट प्रूव करने के लिए भी जरूरी है कि प्रॉफिट अर्न किया जाए। सो स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट जिहड़े मैं तुहाडे नाल डिस्कस किए ये क्लीयर कर देने एक बिजनेस के लिए प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी है। अज के इस टॉपिक दे विच एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जनरली एग्जाम दे विच भी पूछ लिया जाता है, कैन प्रॉफिट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? कि प्रॉफिट कमाना ही, लाभ कमाना ही किसी बिजनेस का इकला उद्देश हो सकता है? आओ ये बारे चर्चा करते हैं। आम तौर पर महसूस किया जाता है कि बिजनेस नू हमेशा इस करके सैटअप किया गया ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट होवे। जे प्रॉफिट मोटिव है ता ही जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर ने उन्होंने वह रिटर्न मिलता है बिजनेस के विचों। जे प्रॉफिट मोटिव ना हो, बिजनेस प्रॉफिट ही नहीं हो रहा स्टूडेंट्स, उस हालत के इन्हों रिटर्न मिलना मुश्किल हो जाता है। इस तो इलावा बिजनेस नाल उहदे रिलेटड कस्टमर्स होंदे ने, इंप्लाइज होंदे ने, वर्करस होंदे ने, कंपनी है तां शेयर होल्डर्स होंदे ने, सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, ये सारयां दा किसे ना किसे ढंग नाल डायरैक्टली बिजनेस दे प्रॉफिट नाल इंपैक्टड होना भी जरूरी है। सारयां ते असर पैंदा है। जेकर बिजनेस लॉस है तां इन्हां सारयां जिन्हां दा मैं नाम लिता, इंप्लाइज, वर्कर, कस्टमर्स, कम्यूनिटी, सारयां ते इंपैक्ट पैंदा है। इस करके बिजनेस दा एक पहलू देखा जावे कि बिजनेस लिए प्रॉफिट कमाना बड़ा जरूरी है। आपां इहदे फेवर्स कुछ पॉइंट्स की गल कर सकते हैं, क्यों जरूरी है, इहदे नाल बिजनेस की साउंडनैस महसूस होंदी है। जिहड़े मैं पॉइंट्स पहलां कहे सी वाई प्रॉफिट इज सो एसेंशियल, आपां सेम पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। बिजनेस का सब तो पहला सोसाइटी के वैलफेयर के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के वैलफेयर के लिए भी प्रॉफिट कमाना बड़ा जरूरी है। अपने शेयर होल्डर्स के विच अपनी कंसोलीडेट पोजिशन शो करने के लिए भी प्रॉफिट कमाना बड़ा जरूरी है। स्टूडेंट्स, इस तों इलावा गुड रैपूटेशन के लिए, गुडविल के लिए भी प्रॉफिट कमाना बड़ा जरूरी है। तो इस तों इलावा कि बिजनेस दे विच एफिशिएंटली उहदी मैनेजमेंट काम कर रही है या नहीं, एक एफिशिएंट मैनेजमेंट दे रूप विच प्रूव करने लई भी प्रॉफिट कमाना जरूरी है। ये पॉइंट्स मैं पहला भी डिस्कस कर चुका हैं। इस करके एग्जाम दे विच जदों असीं इहो जिहा क्वेश्चन आंदा है कि कैन प्रॉफिट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, पहला असीं उहदे फेवर की गल कर रहे हैं। इन्हां पॉइंट्स तों क्लीयर होंदा है कि प्रॉफिट कमाना बिजनेस के लिए बड़ा जरूरी है। पर स्टूडेंट्स, उर्विक दे वर्ड याद रखो कि बिजनेस का मतलब लाभ कमाना ही ठीक उस तरह नहीं है जिमें जीन का मतलब सिर्फ खाना होवे, ये नहीं है, सिर्फ लाभ कमाना नहीं। आओ हुण आपां इस पॉइंट ऑफ व्यू तों गल करिए जिसनूं असीं कहांगे आर्गूमेंट्स अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सीमाइजेशन। लाभ कमाना, लाभ नूं वधांदे रहना, लाभ नूं होर ज़्यादा करना, इहदे अगेंस्ट भी बहुत सारे पॉइंट्स ने कि यह प्रॉफिट कमाना ही मकसद नहीं हुंदा, सिर्फ प्रॉफिट नूं मैक्सीमाइज करना ही सिर्फ मकसद नहीं हुंदा बिजनेस का। सब तो पहला है करप्ट प्रैक्टिसिज़।
स्टूडेंट्स एक बिजनेसमैन के होने नाते सोसाइटी के प्रति देश के प्रति बिजनेसमैन की ड्यूटी है कि वह किसी भी तरह करप्ट प्रैक्टिस ना करे, हेराफेरी ना करे, होल्डिंग ना करे, घटिया किस्म का मटीरियल सप्लाई ना करे। लेकिन जेकर बिजनेस का मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना होएगा तो वह बिजनेस हर ढंग के नाल जिन्हों आम भाषा कहते हैं दो नंबर के काम करता है, टैक्स चोरी करता है, घटिया किस्म का मटीरियल सप्लाई करता है, क्योंकि वो दिमाग के भी सिर्फ प्रॉफिट कमाना जेकर मकसद रह गया। प्रॉफिट नूं होर वधाना है तो उहदे मन च लालच पैदा हुंदा है, जिस करके करप्ट प्रैक्टिसिज ने जिहड़ियां उह लगातार वधदियां चलियां जांदियां ने। क्योंकि सानूं सारिआं नूं पता है स्टूडेंट्स, भ्रिष्टाचार दी असल च जड़ लालच है, ते लालच इत्थे जे सिर्फ प्रॉफिट नूं वधाना होएगा तां भ्रिष्टाचार वधेगा। डिफरेंट टाइप दीआं अनवॉन्टड जिहड़ियां करप्ट प्रैक्टिस ने वह बिजनेस एस्टैबलिश होंदियां रहणगियां। इस पॉइंट ऑफ व्यू तो असीं कह सकते हैं सिर्फ प्रॉफिट नूं वधांदे रहना यह बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। इस तो इलावा एक्सप्लाइटेशन, एक्सप्लाइटेशन का मतलब होंदा किसी चीज़ का शोषण करना। बिजनेस अपने प्रॉफिट नूं वधाउण दे लई जेकर उहदे मन च सिर्फ यही है कि प्रॉफिट ही इनक्रीज करता रहना है तो वह अपने वर्करस नूं, अपने कंज्यूमर नूं एक्सप्लाइट करता है, उन्हों का शोषण करता है। वर्करस नूं सैलरी घट दिंदा, उन्हां नूं फैसिलिटीज घट दिंदा, कम ज़्यादा लैंदा, फेवरेबल कंडीशनज कम नहीं लैंदा, उन्हां वास्ते वर्स हालत होंदी है काम करन दी, वर्करस दे बारे सोचदा ही नहीं है। इस तो इलावा नाल दी नाल क्योंकि जे उहदे मन दे विच लालच है स्टूडेंट्स, तां कस्टमर नूं घटिया तों घटिया किस्म दीआं वस्तुआं वेचण दी कोशिश करदा है। इस करके असीं कह सकदे हां कि जेकर इहो जिहा प्रॉफिट कमाया जाणा है तां इह प्रॉफिट नहीं कमाया जाणा चाहीदा। इस तो इलावा एक पॉइंट होर है जिस दे आधार ते असीं प्रॉफिट नूं मैक्सीमाइज़ करन दे अगेंस्ट अपने पॉइंट नूं प्रूव कर सकदे हां, उह है सोशल इनइक्वैलिटी, समाजिक असमानता। जेकर व्यापारी सारे ही मिल के बहुत सारिया करप्ट प्रैक्टिसिज करनगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे, दूसरे पासे सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करनगे, अपने इंप्लाइज के लिए कुछ नहीं करते, कस्टमर्स नूं घटिया किस्म दीआं वस्तुआं दिंदे ने, तां सोसाइटी के विच लगातार एक इंबैलेंस पैदा हो जाता है। जिस तरह आम कहिंदे ने ना कि अमीर होर अमीर हो गया ते गरीब होर गरीब हो गया, इस तरह की समाजिक ते इकनोमिक इनइक्वैलिटी है, असमानता लगातार वधदी चली जाती है। इस करके इस पॉइंट ऑफ व्यू तो भी सिर्फ प्रॉफिट नूं मैक्सीमाइज़ करना बिजनेस का सोल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। सो स्टूडेंट्स, आर्गूमेंट्स अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सीमाइजेशन एक पॉइंट ये भी है, लोअर ह्यूमन वैल्यूज। जदों भी कोई बिजनेसमैन का एम सिर्फ मैक्सीमाइज प्रॉफिट करना होंदा है तो वह मटीरियलिस्टिक सोसाइटी के जिन्ने भी अवगुण ने उहदे विच फस जाता है। जिन्नी भी भौतिकवादी समाज है ना, वस्तुआं होर कमाना, होर वैल्थ इकट्ठी करनी, उन्हां सारे ओगुणां दे विच बिजनेसमैन चला जांदा है। उस हिसाब दे नाल उहदे लई ह्यूमन बीइंग्स जां ह्यूमन वैल्यूज़ कोई भी वैल्यू नहीं रखदियां। इन्हां सारे पॉइंट दे बिहाफ ते स्टूडेंट्स असीं क्लीयरली कह सकते हैं कि बिजनेस दे विच प्रॉफिट मैक्सीमाइजेशन करना यह बिजनेस का सोल मोटिव नहीं हुंदा जां सोल ऑब्जेक्टिव नहीं हुंदा। एक गल ध्यान रखो स्टूडेंट्स, प्लस वन या प्लस टू लैवल दे उत्ते जदों बच्चों की शुरुआत होंदी है, जदों इस टाइप दे क्वेश्चन कोई भी कॉन्टेंट किसी भी सब्जेक्ट होन जिथे तुहानू किसी कॉन्सैप्ट दे फेवर ते अगेंस्ट बोलना पैंदा है, उत्थे हमेशा कंक्लूजन जरूर कढ़ के आना है। तुसीं जो डिस्कशन कीती है उहदा कंक्लूसिव पॉइंट की है, सिट्टा की निकलिया। तां इत्थे क्योंकि असीं इस क्वेश्चन दे विच प्रॉफिट मोटिव की गल कर रहे सी, प्रॉफिट मैक्सीमाइजेशन की गल कर रहे सी, तां असीं दोनों पहलुओं नूं कंक्लूजन च भी डिस्कस करांगे। एक गल साफ है कि बिजनेस के लिए प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी है, पर इहदा मतलब वर्करस ते जनरल पब्लिक की कोस ते लाभ नहीं कमाया जा सकता। ये ध्यान रखियो, असीं उन्हां दे हितां नूं इग्नोर नहीं कर सकते। प्रॉफिट एक रिवार्ड हो सकता है मनी नूं इनवैसट करन दा, पर प्रॉफिट के नाल नाल सोसाइटी के प्रति भी जिम्मेवारी बनती है बिजनेसमैन की। प्रॉफिट एक इनसेंटिव हो सकता है लोगों को इन्वेस्टमेंट करन दे बदले च मिलने वाला एक इनाम के रूप दे विच, पर प्रॉफिट कदे भी सोसाइटी, कंज्यूमर या गवर्नमेंट दे नाल जिस टाइप दियां करप्ट प्रैक्टिसिज बिजनेस दे वल्लों कीतियां जांदियां ने मैक्सीमम प्रॉफिट करन दे लई, वह बिल्कुल नहीं होनियां चाहीदियां। सो कंक्लूजन असीं यही कह सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉफिट होना चाहिए बिजनेस दे विच, प्रॉफिट कमाना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हुंदा है, बट ये ध्यान रखो कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, उस दे नाल सोसाइटी दे प्रति, कंज्यूमर दे प्रति भी बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने। फाइनली स्टूडेंट्स, एक बड़े फेमस
स्कॉलर होए ने उन्हें पीटर ड्रकर। मैं उन्होंने शब्दों नू सेम ढंग दे नाल तुहाडे सामने पढ़न वाला है। पीटर ड्रकर ने बड़ा क्लीयरली कहा है द प्रॉब्लम ऑफ एनी बिजनेस, ध्यान नाल स्टूडेंट, द प्रॉब्लम ऑफ एनी बिजनेस इज नॉट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स बट द अचीवमेंट ऑफ सफिशेंट प्रॉफिट टू कवर द रिस्क ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दस टू अवॉइड लॉस। बिजनेस दे विच लॉस नू अवॉइड करन दे लई, इकोनॉमिक एक्टिविटी नू स्मूथली चलाउन दे लई, रिस्क नू कवर करन दे लई एक हद तक प्रॉफिट दा होना जरूरी है। इस करके बिजनेस दी समस्या प्रॉफिट नू मैक्सीमाइज करना नहीं है, बिजनेस दा ऑब्जेक्टिव सिर्फ मैक्सीमाइज प्रॉफिट करना नहीं होंदा। इस करके बिजनेस नू एक रीजनेबल हद तक, एक उचित हद तक ही प्रॉफिट अर्न करना अपना ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लीयर। जेकर थोड़े कोई कंसर्न ने, नीचे कमेंट बॉक्स जाओ, कमेंट दो, आई विल ट्राई टू आंसर इवन देयर। इस चैनल पर होर बहुत सारिया वीडियोज़ ने, कॉमर्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स दी मोटिवेशनल वीडियोज़ भी ने, तुसी उन्होंने भी देखते रहो। आने वाले समय के होर बहुत सारिया वीडियोज़ आनगियां, उन्होंने भी इंतजार करो। टिल दैन थैंक यू वेरी मच।